Very good morning to all of you. I am Bindu ma'am. Today is our day. आज हम क्लास वन के बच्चे को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं. ये आपका फिर से रिवीजन के तौर पे नंबर को लेकर आज हम कुछ बताने जा रहे हैं. आपका डे वन है, डे वन है जिसमें कि नंबर के प्रोसेस पे हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट दी काउंटिंग. इसमें कुछ वर्डनी भी दिए ताकि आपको पढ़ने में ठीक रहे. काउंटिंग सी ओ यू एन टी आई एन जी काउंटिंग कितनी एन यू एम डी ई आर नंबर में संख्या ए एफ टी ई आर आफ्टर मींस बाद में बी ई एफ ओ आर बिफोर मींस पहले बी ई टी डब्ल्यू डबल एन बिटवीन बिटवीन मींस बीच में आई एन सी आर ई ए एस आई एन जी इंक्रीजिंग मींस बढ़ते क्रम डी ई सी आर ई ए एस आई एन जी डिक्रीजिंग मींस घटते क्रम. इसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि डू यू रिमेंबर में आपका रहता है कंप्लीट दी काउंटिंग. कुछ मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ 51 दिया है. उसके बाद लास्ट में हमारा जो है 59 है. 51 और इसमें प्लस 1 करेंगे 51 52 53 54 55 56, 57, 58, इस तरह से 59 जान कर देगा पहले नंबर पर. फिर सेम भी है 89 है. इसमें फिर प्लस 1 हम करेंगे 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95. 95 इस तरह से हमारा. फिर उसके बाद है ये हमारा जो प्लस वन करते जा रहा है ये हमारा इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम हो रहा है. सेम उसी में एक मैथ दिया गया है ए बी इंक्रीजिंग है और सी डी जो है डिक्रीजिंग. इसमें सी नंबर में हम माइनस वन करते जाएंगे. बढ़ते क्रम का मतलब है कि नीचे से ऊपर की ओर जाना और घटते क्रम में हम लोग ऊंची सीढ़ी पे है उससे नीचे उतरना है. जैसे कि एक एग्जांपल आदर्श एग्जांपल इस प्रकार से यहां से शुरू किए 1 2 3 4 5 6 ये हमारा इंक्रीजिंग है 1 2 3 4 5 6 यहां से फिर हम नीचे उतरना है 6 5 4 यहां से 6 5 4 3 2 1 इसी प्रकार से जो है हमारा यहां से फिर नीचे से ऊपर से नीचे उतरना है ना. इसी प्रकार से सेम नीचे उतरते जा रहा है और ये हमारा जो है डिक्रीजिंग. इसमें हमारा 6 5 4 3 2 1 इंक्रीजिंग में नीचे से जो हमारा कम संख्या से ज्यादा संख्या की ओर और डिक्रीजिंग में ऊपर ज्यादा है तो ज्यादा संख्या से नीचे की ओर. तो उसमें हम घटते चले जाएंगे. किसी में हमको देखता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया गया है. कोई भी चीज का एग्जाम्पल दैट्स एग्जाम्पल 25 26 30 40 45 इसी तरह का ऐसा हमको दे देगा और इसे अरेंज करना है ना. इसमें सबसे ये आपका जो है इंक्रीजिंग है. क्या है इंक्रीजिंग इस तरह से. तो इसमें बढ़ते क्रम है सबसे सबसे छोटी संख्या 25 फिर 26 फिर 30 फिर हमारा क्या है 45
पेज क्या है 46। सेम था, एक का अंतराल है और भी कुछ भी दे दे, 8, 1, 2, 0, 3, 4 है ना। अब इसे सबसे छोटा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 8। इस प्रकार से हम अरेंज कर लेंगे और ये हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद डिक्रीजिंग जो है इसमें हमारा माइनस वन हमें यहाँ पे शर्त दी है, कंप्लीटली कॉन्टिन्यू हो जा रहा है। 65 है, 64 इसे बैक काउंटिंग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। 65, 64, 63, 62, 61 इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। फिर डी नंबर में 42, ये भी हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें भी 41, 40, 39, 38। तो ये जो दो है ये क्या है आपका, दो एग्जांपल हम दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर और दो जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद हम चलते हैं कुछ वर्ड मीनिंग दे दिए हैं, इसे आप याद कर लेंगे ताकि आपको समझने में ठीक होगी। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन एक बार और रिपीट कर देते हैं। कॉन्टिन्यूस गिनती, नंबर की संख्या, आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, बिटवीन मीन्स बीच में, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ते क्रम, डिक्रीजिंग मीन्स घटते क्रम। मैंने इनको याद कर रहे हैं। उसके बाद कुछ जो है आपको बनाने के लिए हम सीडियो को दे रहे हैं, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर। ए नंबर 46, 90, 20, 53, फिर इन दी ब्लैंक्स आप 1, 2, 3, 4 तो 4 कॉलम में आप भर देंगे। फिर बी नंबर 36, 70, 70, उसके बाद क्या है 63, 75, इसे आप बना लेंगे। सी नंबर 10, 30, 40, 50, इसे भी आप फिल कर लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर हम बता ही दिए हैं कि नीचे से ऊपर की ओर, पहले से छोटी संख्या, फिर उसके बाद डी नंबर 20, 60, 50, 80, 70। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक्स।